हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। आई एम अगेन विद यू विद चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 बीहाइव बुक द लिटिल गर्ल। टुडे विल डिस्कस द समरी एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इन द स्टोरी देयर इज अ लिटिल गर्ल। इस स्टोरी में एक छोटी लड़की है नेम्ड केजिया, जिसका नाम केजिया है। शी लिव्स विद हर फादर, वो अपने फादर के साथ रहती है। हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर, जो अपनी एक लड़की जो अपने फादर, मदर और ग्रैंड मदर के साथ रहती है। ऑल्सो शी इज़ अफ्रेड ऑफ हिज फादर, और उसके साथ साथ वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। एंड ट्राइज टू अवॉइड हिम ऑल द टाइम, और हमेशा उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती है। मोर एवर, इससे ज़्यादा शी फील्स कम्फर्टेड ऑन सीइंग हिज फादर लिविंग फॉर ऑफिस। वो कितना ज़्यादा डरती है द गर्ल ऑफ हर फादर की, जब वो देखती है व्हेन शी कम्स टू नो दैट हिज फादर इज गोइंग और लिविंग फॉर द ऑफिस, शी फील्स मीन्स रिलैक्स, उसको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। एंड शी इज़ सो अफ्रेड ऑफ हर फादर, वो इतना ज़्यादा डरती है अपने फादर से, दैट शी मंबल्स इन फ्रंट ऑफ हिम, जैसे ही वो उसके सामने आते हैं। एज ही अपीयर टू हर, जैसे ही वो उसके सामने आते हैं तो वो मंबलिंग स्टार्ट कर देती है, मीन्स स्टैमरिंग, हकलाने लग जाती है, नर्वस हो जाती है। एज ही अपीयर टू हर, क्योंकि वो उन्हें ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो बहुत ही रूड, क्रिटिकल और हार्श पर्सन है, जिनको समझना मुश्किल है, जो बहुत ज़्यादा कठोर हैं और बहुत ज़्यादा रूड व्यक्ति हैं, मीन्स उनके अंदर काइंडनेस नहीं है। फर्दर, इससे ज़्यादा हर ग्रैंड मदर शॉट हर, और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसे समझाती है, बताती है एक दिन की हर टू अंडरस्टैंड हर पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स को समझे बेटर, अच्छे से। दैट्स वाई शी वुड एनकरेज हर, और इसलिए वो क्या कहती है, उसे एनकरेज करती है टू गो टू द ड्राइंग रूम, कि वो हर ड्राइंग रूम में जाए हर संडे को। व्हेन यू रीड द चैप्टर यू कम टू नो ऑफ दैट, कि जब वो ड्राइंग रूम में जाए, उसकी ग्रैंड मदर से कहते हैं कि हर संडे वो उसे उनके ड्राइंग रूम में जाए अपने फादर मदर से मिलने, टू चैट विद हर पेरेंट्स, ताकि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सके, ताकि वो उन्हें अच्छे से समझ सकें। देन अगेन शी, और फिर से जब वो जाती है अपने फादर मदर से मिलने ड्राइंग रूम में, देन अगेन शी फाइंड्स देम कोल्ड टुवर्ड्स हर, वो देखती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हैं, मीन्स दे आर नॉट पेइंग सो मच अटेंशन, और दे आर यू कैन से इनडिफरेंट टुवर्ड्स हर। सो वन फाइन डे, एक अच्छा दिन होता है, हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड केजिया, उसकी ग्रैंड मदर केजिया को सजेस्ट किया कि प्रिपेयर अ पिन कुशन फॉर हर फादर्स बर्थडे, कि वो एक प्रिपेयर करे, बनाए, पिन कुशन को बनाए अपने फादर के बर्थडे के लिए। अब वो एक अच्छा सजेशन था केजिया के लिए, उसको कुशन तैयार करे, मीन्स ये एक अच्छा सजेशन था ग्रैंड मदर का केजिया के लिए, मीन्स वो अगर अपने फादर के लिए एक पिन कुशन प्रिपेयर करती है तो उसके फादर में भी बिकम हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाएंगे। एंड स्टार्ट बिहेविंग वेल विद हर, कॉन्सिक्वेंटली, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, केजिया स्टिचेस द थ्री साइड्स, केजिया ने थ्री साइड सिल दिए थे ऑफ द पिन कुशन, कैसिंग पिन कुशन का जो केस था उसने तीन साइड सिल के तैयार किया। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद शी नीड्स टू स्टफ द कुशन विद समथिंग, अब उसे इस कुशन को फिल करने के लिए, उसी स्टफिंग की के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत थी। दैट्स वाई, इसलिए शी गोज टू हर मदर्स रूम, वो अपने मदर के रूम में चले जाती है, द नियर द बेड टेबल, और बेड टेबल के पास देयर शी फाइंड्स मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, वहाँ पर उसे काफ़ी सारी शीट्स मिलती हैं, अच्छे अच्छे पेपर्स मिलते हैं वहाँ पे। देन शी टोन द पेपर इन टू स्मॉल पीसेज, वो उन पेपरों को फाड़ देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है, एंड फिल द पिन कुशन, और पिन कुशन को भर देती है। एंड सी अप द फोर्थ साइड, और फोर्थ साइड भी उसकी सील देती है। हाउएवर शी डजंट नो, यहाँ पर नो आ गया, हाउएवर शी डजंट नो, उसे नहीं पता है होता है दैट दोज पेपर्स कंटेन हर फादर्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, कि उसके वो जो पेपर थे जो उसने टोन अप करके अपने पिन कुशन में फिल कर लिए, स्टफ कर दिए हैं, वो उसके फादर की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए। ऑल दो शी एक्सेप्ट हर मिस्टेक, और वो अपनी मिस्टेक को हालांकि एक्सेप्ट कर लेती है, ट्राइज टू एक्सप्लेन द रीज़न, और वो उस कारण को भी बताने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, वाई शी डज इट, आखिर उसने ऐसा क्यों करती है, वो इस सारी चीज़ को बताने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। बट हर फादर वॉज टू एंग्री टू लिसन टू हर रीज़न, लेकिन उसके फादर इतने ज़्यादा गुस्सा थे कि वो उसके किसी भी रीज़न को सुनने को तैयार नहीं थे। एंड पनिश्ड हर विद द रूलर ऑन हर पाम, और उसके थैली पर एक रूलर से उसको पनिशमेंट देते हैं। However, she fails to understand. इसके अतिरिक्त वो समझने से, मीन्स वो नहीं समझ पाती है, fails to understand why she meted out punishment. आखिरकार उसे पनिशमेंट क्यों मिली, even after she accepted her mistake, जबकि उसने अपनी mistake accept कर ली थी। Terribly, she said, और फिर बड़ा दुखी होते हुए उसने कहा, why did God make father's phone? आखिरकार भगवान ने
फादर्स बनाए क्यों हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली और इसी भी ज़्यादा, वन इवनिंग सी सॉ मिस्टर मैकडोनल्ड्स, एक शाम को उसने मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा प्लेइंग विद हर फाइव चिल्ड्रन, अपने पांच बच्चों के साथ खेलते हुए, लाफिंग हंसते हुए, इंजॉयिंग विद देम, उनके साथ इंजॉय करते हुए। दिस इवेंट इन्फ्लुएंस केजिया, और इस इवेंट ने, इस घटना ने केजिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। दैट ऑल फादर्स नॉट सिमिलर, अब उसके माइंड में एक और विचार आता है कि जो ऑल फादर्स मीन्स ऑल फादर्स आर नॉट सिमिलर, कि सारे फादर एक जैसे नहीं होते हैं। शी कंक्लूडेड, और उसने निष्कर्ष निकाला दैट सम फादर इज केयरिंग एंड लविंग लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड, कि कुछ फादर केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, जैसे कि मिस्टर मैकडोनल्ड हैं। एंड सम आर हार्श लाइक हर फादर, और कुछ बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं जैसे कि उसके फादर। हाउएवर हर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर फादर, उसका जो एटीट्यूड है अपने फादर के प्रति, जो उसका रवैया है टूवर्ड्स हर फादर, चेंज्ड, वो बदलता भी है, वो बदला भी, कैसे बदला। सम डे, एक दिन हर मदर नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, एक दिन, एक बार उसकी मदर को क्या हुआ, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। एंड हर ग्रैंड मदर गोज विद हर, और उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ गई। सो केजिया वॉज अलोन इन द हाउस, अब घर में केजिया अकेली थी, विद द कुक, कुक के साथ। द डे वेंट फाइन, दिन तो आराम से कट गया, बट द नाइट वॉज अ डिफरेंट इशू, लेकिन रात एक अलग बात थी। इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के समय में, मीन्स आधी रात के करीब, शी वॉक अप ऑफ फियर, वो अचानक से डर कर जागी, स्क्रीमिंग, चिल्लाई एंड वीपिंग, और बहुत ज़्यादा रोई, एज शी हैड अ टेरिबल नाइटमेयर, क्योंकि एक भयानक सपना उसने डरावना देखा था। व्हेन केजिया ओपन्ड हर आईज, जब केजिया ने अपनी आंखें खोली, शी सॉ हर फादर राइट नेक्स्ट टू हर, उसने देखा कि उसके फादर बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। हर फादर कैरीड हर टू हिज बेडरूम, उसके फादर उसे अपने बेडरूम में लेकर गए, मेड हर कंफर्टेबल, उसको थोड़ा शांत कर किया, वार्म ऑन हिज बेड, उसके बेड को गर्म किया, मीन्स ऑन हिज बेड, उसको थोड़ा सा गर्म किया, शांत किया, अपने बेड पर उसे लेटाया। फर्दर इससे ज़्यादा हर फादर टोल्ड हर, और उसके फादर ने उसे कहा टू रब हर फीट, कि वो अपने पैरों को रगड़े, विद हिज लेग्स, अपने फादर के पैरों से, एंड सेट देम वार्म, और उनको भी थोड़ा सा वार्म करें। शी स्पेंड्स द नाइट विद हिम, उसने वो रात अपने फादर के साथ बिताई, फीलिंग कंफर्टेबल, आराम उसे महसूस हुआ, सेफ, सुरक्षित महसूस हुआ। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद शी रियलाइज दैट, उसको ये अनुभव हुआ, उसे ये पता चला, मीन्स वो इस चीज़ को समझ पाई दैट हर फादर वॉज नॉट अ बैड पर्सन, कि उसके फादर इतने बुरे व्यक्ति नहीं थे। एंड ही लव्स एंड केयर्स फॉर हर इन हिज ओन वे, और वो उसे प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं। एंड ही लव्स एंड केयर्स फॉर हर इन हिज ओन वे, और उसे लगा कि वो उसकी उसको बहुत प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं अपने खुद के तरीके से, मीन उनका अपना एक अलग वे है केयर करने का, अपने बच्चे से, अपनी बेटी से की केयर करने का, उसके साथ उसका उसको अफेक्शनेट, मीन उसको अफेक्शनेट फील कराने का, उसे प्यार करने का। मोर एवर ही हैज़ टू वर्क अ होल डे, इसे और इसे कैतरिक क्या है कि उसको बहुत पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एंड इज टू वियरी, इतने ज़्यादा वियरी मीन थक जाते हैं, इतने ज़्यादा वियरी थक जाते हैं बाय इवनिंग, शाम तक, टू प्ले विद हर, कि वो उसके साथ खेल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि केजिया किस तरह से, केजिया का एटीट्यूड अपने फादर के लिए चेंज हो जाता है। इन द स्टार्टिंग शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। एंड देन इन बिटवीन शी कम्स टू नो दैट कि मिस्टर मैकडोनल्ड हैं, और वो निष्कर्ष निकालती है कि किस तरह से फादर्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। एंड देन व्हेन हिज मदर एंड ग्रैंड मदर वॉज नॉट देयर एट होम, एंड ही दे मीन्स हिज मदर हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज, तो उसके फादर ने उसकी केयर की। एंड शी अंडरस्टैंड दैट उसके फादर जो हैं वो अपने ही तरीके से उसकी केयर करते हैं, उससे प्यार करते हैं। मीन्स थ्री स्टेजेस आर देयर वेयर केजिया अंडरस्टैंड एंड रियलाइज हिज फादर्स लव एंड हिज फादर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हर। नाउ सी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। द वेरी फर्स्ट, वाई वॉज केजिया अफ्रेड टू हर फादर, केजिया अपने फादर से इतना क्यों डरती थी। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, हु ऑलवेज यूज टू गिव कमांड्स टू एवरीबडी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, सभी को कमांड देते रहते थे इन द हाउस, घर में। ही नेवर प्लेड हिदर, कभी उनके साथ खेलते नहीं थे, उसके साथ खेले नहीं। ही हैड बिग हैंड्स, बड़े बड़े हाथ थे उसके, एंड हैवी फेस, बड़ा सा मुँह, स्पेशली हिज माउथ, और मीन्स सबसे ज़्यादा उसका चेहरा, उसका मुँह, जो कि जब वो यानिंग करते थे
योनिंग करते थे तो वो बहुत ही बड़ा लगता था। एंड शी वॉज स्पेशली टेरीफाइड, वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी विद द मैनर, उस तरीके से इन विच ही लुक्ड एट हर, जिस तरीके से वो उसकी तरफ देखते थे ओवर हिज स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मों के ऊपर से। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, हु वर द पीपल इन केजीएस फैमिली, केजीएस की फैमिली में कौन कौन व्यक्ति थे। केजीएस फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड हरसेल्फ। फोर पीपल आर देयर, केजीएस मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड केजिया हरसेल्फ। ना क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वाज केजीएस फादर्स रूटीन, केजिया के फादर का रूटीन क्या था बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। ऑफिस जब वो जाते थे उस ऑफिस जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजीएस फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम, उसके रूम में जाते टू गिव हर अ कैजुअल किस, एक कैजुअल किस उसको देते थे, प्यार करते थे। मीन्स इन सम काइंड ऑफ ए हिज फादर लव्स एंड केयर फॉर हर डॉटर, फॉर हिज डॉटर। एंड देन हिज रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, जब वो ऑफिस से वापस आते थे तो क्या करते थे। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ही ऑर्डर्ड 40 टू ब्रॉट इन टू द ड्रॉइंग रूम, वो ऑर्डर करते हैं कि उनकी जो चाय है वो ड्रॉइंग रूम में लाई जाए। ही ऑल्सो आस्क्ड हिज मदर टू ब्रिंग हिम द न्यूज़पेपर, अपनी मदर से कहते कि वो उसे न्यूज़पेपर दे और उसके स्लीपर्स ही स्लीपर्स भी दे। एंड केजिया टू पुल ऑफ हिज बूट्स, और केजिया से कहते कि वो उसके जूते उतारे। और संडे को क्या होता था उसके फादर का जो रूटीन था वो क्या था। ऑन संडेज केजिया फादर वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, केजिया के फादर सोफे पर फैल कर लेटे हुए होते थे। ही वुड कवर हिज फेस विद हिज हैंडकरचीफ, वो उनका चेहरा एक रुमाल से ढका होता था, ढकते थे। एंड बट हिज फीट ऑन वन ऑफ द कुशन एंड स्लिप साउंडली, और उनका एक पुट हिज फीट ऑन वन ऑफ द कुशन, एक पैर को एक कुशन पर रखते और बहुत ही गहरी नींद में सोते थे। तो ये उनका संडे का रूटीन था। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर फोर, इन वट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर, किस तरीके से केजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो एनकरेज करती थी केजिया को अपने फादर को अच्छे से समझने के लिए। केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर बाय सेंडिंग हर टू द ड्रॉइंग रूम, कि वो उसको ड्रॉइंग रूम में भेजती टू टॉक टू हर पेरेंट्स ऑन संडेज, को संडे को जाकर अपने पेरेंट्स से बात करे। शी ऑल्सो सजेस्टेड केजिया टू मेक अ पिन कुशन, और वो केजिया को सजेस्ट करती है एक पिन कुशन बनाने के लिए आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क के ब्यूटीफुल पीस से वो पिन कुशन तैयार करे एज ए गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे, अपने फादर के बर्थडे के गिफ्ट के रूप में एक पिन कुशन तैयार करने के लिए वो केजिया से कहती है। नाउ पार्ट थ्री, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन आंसर्स इन टू और थ्री पैराग्राफ्स, मीन्स क्वेश्चन इज देयर विच इज बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद द टीचर एंड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, केजियाज एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लेजिंग हिम, केजिया का जो एफर्ट्स थे कोशिशें थी अपने फादर को खुश करने की वो क्या होते हैं, इस तरह से उसका परिणाम क्या निकलता है कि वो नाखुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एंड हाउ डिड दिस हैपन, आखिर ये क्यों हुआ था। सी, केजिया एज एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम ऑन एवरी संडे, हर संडे को हर ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्रॉइंग रूम, ड्रॉइंग रूम में उसकी ग्रैंड मदर उसे भेजती टू हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर, कि वो अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात करे। बट हर प्रेजेंस ऑलवेज इरिटेटेड द फादर, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस होती थी वो उसका वहाँ पर आना उसके फादर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था। ही यूज टू कॉल हर लिटिल ब्राउन ओव, वो उसे एक छोटा भूरा आउल भी कहते थे। एंड वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वुड बी नेक्स्ट वीक, और एक बार उसकी दादी माँ उसे बताती है कि उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है। एंड सजेस्ट भी करती है दैट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ब्यूटीफुल गिफ्ट, कि वो एक पिन कुशन गिफ्ट करे और पिन कुशन उसके लिए तैयार करे। आफ्टर स्टिचिंग थ्री साइड्स ऑफ द कुशन, वो कुशन की थ्री साइड स्टिच करने के बाद सिलने के बाद विद डबल कॉटन से विद ग्रेट केयर एंड एफर्ट, बड़े ही ध्यान से कोशिश से मेहनत से केजिया वॉज स्टक एज टू, अब केजिया परेशान हो जाती है, स्टक हो जाती मीन्स वो अब इस चीज़ पर दुविधा में फंस जाती है एज टू व्हाट टू फिल इन द कुशन, कि आखिर वो इस कुशन को मैं क्या कुशन केस में क्या फिल करें। सिंस हर ग्रैंड मदर वॉज बिजी इन द गार्डन, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर गार्डन में बिजी थी। शी सर्च्ड हर मदर्स बेडरूम फॉर स्क्रैप्स, वो अपनी मदर के बेडरूम में जाती है स्क्रैप्स ढूंढने के लिए। फाइनली स्क्रैप्स मीन्स जो रद्दी होती है उसको जो उसमें फिल कर सके। फाइनली शी डिस्कवर्ड शीट्स ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल पर उसको क्या मिलती हैं, एक कुछ पेपर की शीट्स मिलती हैं। शी गैदर्ड दीज, वो इकट्ठा करती है, टोर देम अप, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, फाड़ देती है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से हर
एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर नॉट ओनली वेंट इन वैन, उसकी जो कोशिशें थी अपने फादर को खुश करने की वो बिल्कुल वैन वेंट इन वैन बिल्कुल बेकार गई, बट ऑल्सो हैड एन अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस, इसका एक बड़ा ही भयानक परिणाम निकला। दिस वॉज बिकॉज द शीट्स, क्योंकि ऐसा क्यों था, क्योंकि जो शीट्स थी शी हैड टोन जिस जो उनको उसने टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया था, वर हर फादर स्पीच, वो उसके फादर की स्पीच थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी के लिए। हर फादर स्कॉल्डेड हर फॉर टचिंग थिंग्स दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर, उसके फादर ने उसको बहुत ज़्यादा डांट लगाई ऐसी चीज़ों को छूने के लिए, फॉर टचिंग थिंग्स ऐसी चीज़ों को छूने के लिए दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर, जो उससे जिसका उससे कोई संबंध नहीं है। एंड फिल द कुशन, और उस कुशन में भरने के लिए विद टोन पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में, पनिश्ड हर बाय हिटिंग हर पाम विद द रूलर, उसको इतना उसको इतना ज़्यादा परेशान किया कि उसके एक रूलर से उसकी पाम जो है थैली पर उसको सजा दी गई। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर, केजिया डिसाइड करती है कि अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड किस तरह के फादर थे, हाउ वॉज द डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, वो केजिया के फादर से किस तरह से अलग थे। क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केजिया कंपेयर्ड हर फादर विद मिस्टर मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड से अपने फादर को कंपेयर करती है। हर नेक्स्ट डोर नेबर जो कि उनका पड़ोसी है, ही वॉज लविंग जेंटल एंड फॉरगिविंग फादर, वो बहुत ही केयर करने वाले लविंग हैं जेंटल हैं सब हैं और फॉरगिविंग फादर है माफ़ कर देने वाले फादर हैं। ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ स्माइल करते हैं हंसते हैं खेलते हैं। ही ट्रीटेड हिज चिल्ड्रन इन अ फ्रेंडली मैनर, वो अपने बच्चों से बड़े ही फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं उनसे बिहेव करते हैं। ही वॉज जस्ट अपोजिट टू केजियाज फादर, वो केजिया के फादर के बिल्कुल अपोजिट थे। अनलाइक केजियाज फादर ही नेवर पनिश्ड चिल्ड्रन, केजिया के फादर की तरह वो कभी बच्चों को नहीं मारते, ही प्लेड विद देम उनके साथ खेलते हैं। वेन एवर ही वॉज फ्री, जब भी वो फ्री होते थे। केजियाज फादर वॉज वेरी हार्श, केजिया के फादर बहुत ज़्यादा कठोर पर्सन स्ट्रिक्ट पर्सन एंड अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर, और इस तरह के डिसिप्लिनियर हैं कि वो हर व्यक्ति से एक डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति जो है एक डिसिप्लिन में रहें। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर, किस तरह से केजिया देखने लगती है हर फादर एज अ ह्यूमन बींग, एक मानव के रूप में, हु नीड हर सिंपैथी, जिसको उसकी सिंपैथी की जरूरत है। नाउ सी द आंसर, विद हर मदर एंड ग्रैंड मदर एट द हॉस्पिटल, जब वो अपनी मतलब जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल में थी, केजिया इज लेफ्ट एट होम, केजिया को घर छोड़ा गया है इन केयर ऑफ एलिस, एलिस जो कि कुक है उसकी केयर में। एट नाइट आफ्टर शी इज पुट टू बेड, जब उसको लुटा दिया गया है द कुक शी हैज अ नाइट मेयर, कुक ने जब उसको खाना खिलाकर लेटा दिया था रात को तो अचानक से उसको एक भयानक सपना दिखाई दिया। शी कॉल्स फॉर हर ग्रैंड मदर, उसने वो आवाज़ लगाते अपनी दादी माँ को, बट टू हर सरप्राइज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है when she discovered that she finds her father standing near her bed, कि उसके फादर उसके बेड के पास बैठे हैं। She takes her in his arm and makes her sleep next to home, वो उसे अपने हाथों में उठाते हैं अगले ही डोर में, जो अगले ही घर उसी का था, उसके फादर का था, बेडरूम था, उसे वहाँ पर वो ले जाते हैं। हाफ असलीप, आधा सोते हुए, शी क्रिप्स क्लोज टू हिम, वो उसके मीन्स थोड़ा सा क्रैप क्रॉलिंग करते हुए उसके पास आ जाती है। स्नगल्स हर हेड, अपने हेड को स्नगल करते छिपा लेती है अंडर हिज आर्म, उसके आर्म्स के नीचे। एंड होल्ड्स टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को बहुत तेज पकड़ लेती है, टाइट से पकड़ लेती है। हर फादर आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स टू फॉर्म वार्मथ, उसके फादर उसे कहते हैं कि वो अपने पैरों को उसके फादर के पैरों से रगड़े ताकि वो गर्म हो सकें। हर फादर गोज ऑफ टू स्लीप बिफोर हर, उसके फादर उसके सोने से पहले ही सो जाते हैं। दिस मेक्स हर अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड एवरी डे एंड दिस लीव्स हिम टू टायर टू बी लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड, अब वो समझ पाती है कि किस तरह से उसको पूरा दिन इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह हेल्प नहीं कर सकते। सी एक्सप्रेसेस, वो बताती है हर दैट अल्टर फीलिंग, वो बदली हुई भावना फॉर हर उसके फादर के लिए, बाय टेलिंग हिम दैट ही हैज़ अ बिग हार्ट, जब वो उसे कहती है कि उसका दिल बहुत बड़ा है।
सो क्लास हियर द समरी एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. योर वर्क इज टू वॉच द वीडियो केयरफुली, लाइक शेयर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.